प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2020 के 49वें बाल विजेताओं के साथ बातचीत की। इस दौरान पीएम मोदी ने बच्चों से कहा कि मैं अपने शरीर से निकलने वाले पसीने से चेहरे की मालिश करता हूं, इसलिए मेरा चेहरा चमकता है। बच्चों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आपने जो काम किया है उसको करने की बात तो छोड़ दीजिए, उसे सोचने में भी बड़े बड़े लोगों के पसीने छूट जाते हैं। अपने भाषण में एक बात का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा, मुझसे बहुत साल पहले किसी ने पूछा कि आपके चेहरे पर इतनी चमक क्यों है, तो मैंने उन्हें आसान जवाब दिया। मैंने कहा कि मैं इतनी मेहनत करता हूँ कि मेरे शरीर से बहुत पसीना निकलता है और मैं उसी पसीने से मालिश करता हूँ तो मेरा चेहरा चमक जाता है। इससे पहले पीएम मोदी ने बच्चों से कहा, थोड़ी देर पहले आप सभी का परिचय जब हो रहा था तो मैं सच में हैरान था। इतनी कम आयु में जिस प्रकार आप सभी ने अलग अलग क्षेत्रों में जो प्रयास किए, जो काम किया है वो अद्भुत है। उन्होंने कहा, एक प्रकार से ये जिंदगी की शुरुआत है, आपने मुश्किल परिस्थितियों में साहस दिखाया है। मोदी ने आगे कहा, आप सब कहने को तो बहुत छोटी आयु के हैं, लेकिन आपने जो काम किया है उसको करने की बात तो छोड़ दीजिए, उसे सोचने में भी बड़े बड़े लोगों के पसीने छूट जाते हैं। उन्होंने कहा, आप युवा साथियों के साहसिक कार्यों के बारे में जब भी मैं सुनता हूँ तो मुझे भी प्रेरणा मिलती है। आप जैसे बच्चों के भीतर छिपी प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के लिए ही इन राष्ट्रीय पुरस्कारों का दायरा बढ़ाया गया है। गौरतलब है कि विभिन्न क्षेत्रों में बच्चों की शानदार उपलब्धियों के लिए हर साल सरकार उन्हें प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार देती है। नवाचार, बौद्धिक उपलब्धियों, समाज सेवा, कला और संस्कृति, खेल और बहादुरी जैसे क्षेत्रों में शानदार उपलब्धियां हासिल करने वाले बच्चे पुरस्कार के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति जो किसी बच्चे की प्रतिभाशाली उपलब्धियों से परिचित हो, वह भी उस बच्चे का नाम पुरस्कार के लिए दे सकता है। हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। नमन शर्मा, पंजाब केसरी। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।